अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखें। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों माशाल्लाह हमारी बकरी अब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रात इसमें बंडा वगैरह रखा था, छिलका और चौकर ना माशाल्लाह, उसने उसको भी ये खाया भी। अभी इसको चारा वगैरह रखेंगे, अभी लेके आना पड़ेगा वहाँ से ना टोके वाली मशीन से, तो फिर इसको टोका वगैरह चारा वगैरह भी डालेंगे। और इसको भी आज से इंशाल्लाह इसे इसकी भी थोड़ी सी खिदमतदारी करेंगे दोस्तों ना। ये देखें कितनी कमज़ोर हो गई है, तक ये देखें तकरीबन ये छः, हाँ 7 महीने की हो गई, 6-7 महीने की। और ये देखें ऐसे लग रही है कि 2-3 महीने की है। तो इसे थोड़ी खुराक वगैरह देंगे तो इसकी सेहत माशाल्लाह सही हो जाएगी। और ये देखें दोस्तों, और ये देखें दोस्तों हमारे पास ना एक नया कबूतर का प्यार आया है, देखें ब्लैक एंड वाइट। पहले वाले थे ना उसे हम ले गए नीचे भाने में, उधर ही हैं कबूतर, तो ऊपर से अब ये नया प्यार ऊपर आ गया, ये ब्लैक एंड वाइट वाला ना। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी अंडे वगैरह देगा इधर ही। ये देखिए माशाल्लाह, और दोस्तों ये देखें हमारी लक्का फीमेल इधर बैठी हुई है, ये देखें कितना अग्रेसिव हो रही है। बच्चे निकलते नहीं है ऐसी फजूल में। नाक तो ये भी वैसे के वैसे रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए देख कितना मतलब कि शोर मचाने लग गया जब इसके अंडों को हमने हाथ लगाए तो। अब ये देखें दोस्तों खरगोश भी इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं कि अभी कुछ खाने को मिलेगा, और कबूतर भी हमारे बाहर बैठे हुए हैं। और ये देखें हमने अपनी मुर्गियों के लिए ना ऊपर एक स्टिक लगा दिया कि ताकि ना ऊपर बढ़ बैठ जाए। और दूसरा ये देखें दोस्तों हमने ये जगह थोड़ी सी बना ली है, और इसके काम चेक करें दोस्तों। ये देखें ये जगह बनाई है ताकि इसमें अंडे वगैरह दें, क्योंकि अंडे तोड़ देती हैं, तोड़ के ना फिर खा जाती हैं। अंडे इधर देती हैं उधर गैप पड़े होते हैं, को कुछ उधर कुछ इधर, तो एक जगह बना दी इधर से ईंटे रख दिए ताकि ये इधर उधर जाए ना अंडे ना। अभी इनको दाना वगैरह भी डालते हैं। और ये देखें दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, इसमें भी नया पानी डालते हैं। अब डालते हैं जी इनको दाना। और ये देखें हटो, इधर उधर उधर उधर
वास्ते इनको दाना वगैरह डाल दिया है। और ये देखें दोस्तों हमारी मछलियां, अभी दोस्तों पानी फिर कम हो गया है। आज इसमें इंशाल्लाह ना थोड़ा पानी और डालेंगे, इतना सा पानी कर देंगे इंशाल्लाह, इतना पानी भरेंगे। अभी पानी ये देखें, पानी बिल्कुल साफ है माशाल्लाह। पहले तो इतना गंदा हो जाता था ना, मछलियां भी नज़र नहीं आती थी, अब माशाल्लाह बिल्कुल साफ है। ये देखें, और इधर से भी शीशे को साफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना फंगस वो एलजी वगैरह लगी हुई है ना, ग्रीन ग्रीन। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे एलजी वगैरह लगी हुई है, ये भी साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें इंशाल्लाह आज इस पर सफाई वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें दोस्तों कितना बड़ा होल किया हुआ है अंदर इस, ये देखें। ये देखें दोस्तों, अब पता नहीं कब ये हमारे खरगोश बच्चे वगैरह देंगे। हमारी मॉर्निंग डव ना अपने घोंसले में बैठी हुई है, ये भी इंशाल्लाह दो चार दिनों में अंडे वगैरह दे देंगे। तूने भी दाना खाना है, आज तुझे दाना खिला। ये देखें दोस्तों, हमने इधर ही रख दिया दाना। अब शाम को ना इसे हम दोस्तों सरसों का तेल पिलाएंगे रोजाना, एक बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन इसे सरसों का तेल लेंगे और रोज़ाना इसकी अब थोड़ी सी डाइट वगैरह ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। हम रखते हैं जी अपनी बत्तख के बच्चों को दाना वगैरह। तो ये देखें हमारी फाख्ता भी नीचे आ गई है। इनको आज शाम में बाहर निकालेंगे, अभी तो टाइम नहीं है इनको बाहर निकालने का। और ये देखें हमारी लक्का फीमेल भी बाहर आ गई है दाना खाने के लिए ना। ये देखें अब इसको चारा वगैरह डालेंगे, वो इसका काम चेक करें, इसने शॉपर को ही मुंह लगा लिया है। ये देखें दोस्तों हमारे ब्लैक एंड वाइट कबूतर लगते प्यासे हैं। ये देखें
और हमारी फीमेल भी बाहर आकर खाएं भी गया। अब इसकी बारी आ गई। थोड़ा सा पानी प्लेट में भी डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी भी लगा पड़ा है पीने में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा पानी इसे फुल कर देते हैं, इधर से पीते रहेंगे ये अब। अब जिसे प्यास लगेगी, खरगोश और कबूतरों को इधर से ही पी लेंगे अब।